हेलो लवली लेडीज, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे चॉइस गर्भ निरोधक गोलियों के बारे में। ये कैसे काम करती हैं, इन्हें कैसे यूज़ करना चाहिए, इन्हें खाने का सही तरीका क्या होता है, कब से इसको गोली लेने की शुरुआत करनी चाहिए, ये सारी बातें डिटेल में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। साथ ही मैं ये भी बताऊंगी कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं, और साइड इफ़ेक्ट्स के अलावा और जो इसमें जो रिस्क के फैक्टर्स हो सकते हैं, यानी कि किन कंडीशंस में आपके लिए चॉइस गर्भ निरोधक गोली सही नहीं रहेगी, उसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चॉइस टैबलेट्स जो होती हैं, ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं। ये कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं, यानी कि इनमें दो हार्मोन्स पाए जाते हैं, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। और इनका यूज़ ये होता है कि ये प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करती है, मतलब प्रेगनेंसी को होने नहीं देती। अगर आप इन गोलियों को लगातार खाते हैं बिना स्किप किए, तो ये आपकी प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करती है। इसका काम करने का तरीका ये होता है कि ये आपकी ओवरीज में से एग को रिलीज़ नहीं होने देती, यानी कि एग नहीं रिलीज़ होता है तो फिर वहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है और प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है। इसके अलावा ये जो आपका सर्वाइकल म्यूकस होता है, यानी कि बच्चेदानी का मुंह जहाँ पे होता है, जो निचला हिस्सा होता है बच्चेदानी का, वहाँ पे जो म्यूकस होता है उसमें भी कुछ ऐसे चेंजेस ये प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से स्पर्म्स जो हैं, शुक्राणु जो हैं, वो उसको एंटर नहीं कर पाते हैं बच्चेदानी के अंदर। तो उस तरीके से भी ये प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करती है। साथ ही ये जो आपकी बच्चेदानी के अंदर की लाइनिंग होती है, उसमें भी कुछ ऐसे चेंजेस करती है जिसकी वजह से कि प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है। तो इस तरीके से ये जो पिल्स हैं ये काम करती हैं। अब आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि ये जो चॉइस गर्भ निरोधक गोलियां हैं, इसमें इस तरीके से 28 गोलियां होती हैं, जिनमें से कि 7 गोलियां लाल रंग की हैं और बाकी की 21 गोलियां जो हैं वो सफ़ेद रंग की हैं। अब इन्हें लेने का सही तरीका क्या होता है वो मैं आपको बताती हूँ। इसको क्या करना है आपको, जब आपका पीरियड स्टार्ट हो, उसका पहला दिन हो, पीरियड के पहले दिन आप एक सफ़ेद गोली जो है वो ले लीजिए। इस तरीके से आपको पहले जो 21 दिन तक जो सफ़ेद गोलियां हैं उनको लेना है। रोज़ आपको एक ही टाइम पर ये गोली लेनी है, मतलब टाइम चेंज कर करके नहीं लेना है। दिन का एक टाइम फिक्स कर लीजिए जो आपके लिए इजी हो दवा लेने के लिए। जैसे कि अगर आप रोज़ नाश्ते के बाद ले रही हैं तो फिर रोज़ नाश्ते के बाद ही आप उसको लीजिए, या फिर रात को सोने से पहले लेने की अगर आपको आदत डालनी है तो उस तरह की आदत डाल लीजिए। दिन का एक जो समय है उसको फिक्स कर लीजिए और उस फिक्स समय पे रोज़ ही आप ये गोली याद से लीजिए। तो इस तरीके से आप प्रोटेक्टेड रहेंगी प्रेगनेंसी के लिए। अब इसके बाद जब आपकी 21 गोलियां ख़त्म हो जाएंगी, ये जो 21 सफ़ेद गोलियां होती हैं इन्हीं में हार्मोन्स होता है, हार्मोन्स होते हैं, और बाकी की जो 7 लाल गोलियां होती हैं वो उनमें बेसिकली आयरन होता है। और उस टाइम पे जब आप बाकी की 7 गोलियां लेती हैं लास्ट में, तो आपका पीरियड जो है वो आ जाता है। और इसके बाद जब ये आपकी 28 गोलियां ख़त्म हो जाएंगी, आपकी लाल गोलियां भी ख़त्म हो जाएंगी, आपका पैक जो है वो पूरा ख़त्म हो जाएगा, तो आप नया पैक लेना शुरू कर दीजिए। तो इस तरीके से ये आपको प्रेगनेंसी से प्रोटेक्ट करेगा। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर गलती से आप भूल गई लेना, कोई गोली आपकी स्किप हो गई, नहीं ले पाई आप, तो पहली चीज़ तो ये, आपको जैसे ही याद आए आप गोली ले लीजिए। लेकिन अगर ऐसा हो कि आपको गोली लेना भूले हुए 12 घंटे या उससे ज़्यादा हो गए हैं, तो उस कंडीशन में आपको 2 दिन तक कॉन्डम का यूज़ करना चाहिए, ताकि प्रेगनेंसी का रिस्क जो है वहाँ पे कम हो सके। गोली आप खाती रहिए जैसे आप खा रही थी, लेकिन 2 दिन तक अगर आप गोली लेना भूल गई हैं, 12 घंटे से ज़्यादा का टाइम हो गया है, तो आप 2 दिन कॉन्डोम का इस्तेमाल भी साथ में कीजिए, ताकि प्रेगनेंसी का रिस्क जो है वहाँ पे ना रहे। और इसके अलावा जो अगली चीज़ अगर ये हो सकती है कि अगर आपने गोली ली और आपको 4 घंटे के अंदर उल्टी हो गई, तो उस कंडीशन में आप एक दूसरी गोली वहाँ पे ज़रूर ले लीजिए। तो ये जो उल्टी होना है, या अब हम साइड इफ़ेक्ट्स की अगर बात कर लें इस मेडिसिन की, तो इसमें जनरली ज़रूरी नहीं है कि हर महिला को ये टैबलेट्स लेने की वजह से साइड इफ़ेक्ट्स हो, लेकिन हो सकता है कि कुछ में ये साइड इफ़ेक्ट्स पाए जाएं, जैसे कि थोड़ा सा नौजिया होना दवाई के बाद। नौजिया मतलब होता है जैसे जी मिचलाना, ऐसा लगना कि उल्टी आने वाली है, इस टाइप की जो फीलिंग होती है उसको नौजिया कहते हैं। तो नौजिया हो सकता है, सर में दर्द हो सकता है, और साथ में आपके ब्रेस्ट्स में थोड़ा पेन हो सकता है। तो जब आप शुरू करती हैं इन दवाओं को यूज़ करना, तो आपको शुरू शुरू में ये कुछ दिक्कतें जो हैं वो
हो सकती हैं, लेकिन नॉर्मली ऐसा होता है कि थोड़े टाइम के बाद जैसे जैसे बॉडी यूज्ड टू हो जाती है इन दवाओं के, तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और इसके अलावा जो एक और साइड इफेक्ट जो इसका हो सकता है कि पीरियड्स के बीच में थोड़ी स्पॉटिंग हो सकती है, यानी कि थोड़ा सा ब्लड आना, बस दाग धब्बे लगने जितना, इतना सा ब्लड आना, उसको स्पॉटिंग कहते हैं। तो उस तरीके की थोड़ी स्पॉटिंग हो सकती है, या पीरियड्स के बीच में थोड़ी सी इरेगुलर हल्की फुल्की ब्लीडिंग हो सकती है, तो ये भी इसका एक साइड इफेक्ट हो सकता है। तो हो सकता है कि ये ग्रेजुअल यूज़ के साथ, जैसे जैसे कि आप उसको यूज़ करें तो ठीक हो जाए, लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है या कोई ऐसी कंसर्न है, तो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट के साथ ज़रूर इस मैटर को कंसल्ट करिए। साथ ही इसमें क्या होता है कि कुछ लेडीज़ में ऐसा संभव होता है कि थोड़ा ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन का रिस्क रहता है। अगर आपकी हिस्ट्री रही है इस तरह की ब्लड क्लॉट्स फॉर्मेशन की, तब तो आपके डॉक्टर्स आपको एडवाइस भी नहीं करेंगे कि आप ये टैबलेट यूज़ करिए। तो इसलिए थोड़े जो सिम्टम्स हैं उनके लिए थोड़ा सा आपको कॉशियस रहना होगा। जैसे कि अगर आपको पैरों में स्वेलिंग आ रही है, दर्द हो रहा है, साथ ही आपको चेस्ट में, सीने में दर्द हो रहा है, सांस लेने में थोड़ी डिफिकल्टी हो रही है, दिक्कत हो रही है, तो इस केस में आप अपने डॉक्टर के साथ ज़रूर कंसल्ट करिए, क्योंकि ये ब्लड क्लॉट होने की इंडिकेशंस हो सकते हैं। हालांकि ये जो मैं कॉम्प्लिकेशंस बता रही हूँ ये बहुत रेयर हैं और ज़्यादातर महिलाओं के साथ नहीं पाए जाएंगे, फिर भी अगर आपके साथ, आपकी हिस्ट्री है, आपकी फैमिली हिस्ट्री मान लीजिए ऐसी है कि आपको फैमिली हिस्ट्री में परिवार के किसी नज़दीकी सदस्य में ब्लड क्लॉट की टेंडेंसी है, या आपके में ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन की कोई बीमारी है पहले से, तो ये दवा फिर आपके लिए ठीक नहीं है। उस कंडीशन में आप इसको मत लीजिएगा, अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट करके कोई जो भी मेथड आपको सूट करे आप उसको ले सकती हैं। इसके अलावा अगर आप कोई भी और दवा ले रही हैं या कोई और मेडिकेशन यूज़ कर रही हैं, तो अपने डॉक्टर से इस बारे में ज़रूर बताइए कि मैं ये दवाएँ ले रही हूँ, क्योंकि कई बार कुछ दवाएँ ऐसी होती हैं जो चॉइस की जो जो टैबलेट्स होती हैं उनके साथ थोड़ा इंटरफियरेंस उनका होता है, यानी कि सही से उनको काम नहीं करने देती हैं। तो इस तरीके की कंडीशंस हो सकती हैं जो आप अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस कर सकती हैं। अब यहाँ पे मैं कहूँ कि ये जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं, वैसे तो ये बहुत ही अच्छा मेथड है कॉन्ट्रासेप्शन का, स्पेशली अगर आपकी नई नई शादी हुई है और आप चाहती हैं कि कुछ महीने अभी हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को जान ले अच्छी तरीके से और फिर बेबी प्लान करें, तो उसके लिए ये एक बहुत अच्छा मेथड है। अगर आपकी बॉडी में एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आपको हार्ट अटैक की हिस्ट्री रही है, स्ट्रोक की हिस्ट्री रही है, या फिर आपको यूट्राइन कैंसर, सर्वाइकल कैंसर या फिर वेजाइनल कैंसर की हिस्ट्री रही है, तो भी आपके लिए ये मेडिसिंस नहीं होती हैं। इनके लिए आप एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर बात कर लें, इन कंडीशंस में इनको नहीं यूज़ करना होता है। अदरवाइज़ अगर आप हेल्दी हैं, कोई ऐसी ब्लड क्लॉट की हिस्ट्री नहीं है, या फिर इस तरीके की जो मैंने अभी आपको डिजीज़ बताई इनकी कोई हिस्ट्री नहीं है, तो आपके लिए ये बहुत अच्छा तरीका है। अब इसकी एफिशिएंसी की अगर बात कर लें तो ये काफ़ी इफेक्टिव है। अगर आप याद से रोज़ एक गोली ले रही हैं, इसके लिए मैं आपको सलाह दूंगी कि अपने फ़ोन के अलार्म में आप सेट कर लीजिए कि इतने बजे का अलार्म बजेगा, कि इतने बजे हमको गोली लेनी ही लेनी है। तो इस टाइप से आपको इसे भूलना नहीं है। अगर आप भूलती नहीं हैं और आप रेगुलरली ले रही हैं, तो ये आपको 99% तक जो है अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचाता है। तो इसकी इफेक्टिवनेस काफ़ी ज़्यादा है और एक काफ़ी अच्छा बर्थ कंट्रोल का मेथड होती है ये जो कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं। यहाँ हम चॉइस टैबलेट्स की बात कर रहे हैं। तो अब अगर हम इसके प्राइस की बात कर लें कि कितना खर्चा इसमें आता है आपका, तो इसका जो MRP होता है वो खाली 30 रुपये है, यानी कि आपका महीने में खाली 30 रुपये का खर्चा आता है, और उसमें आप आसानी से अपना इसको एक बर्थ कंट्रोल का मेथड की तरह से यूज़ कर सकती हैं और अनवांटेड प्रेगनेंसी से बच सकती हैं। कुछ चीज़ें जिनका आपको थोड़ा ख्याल रखना है वो मैंने आपको जैसे कि बता दी कि किन कंडीशंस में, जो कि बहुत कॉमन नहीं होती है, उनमें आपको थोड़ा सा देखना है कि ये जो मेथड है ये आपके लिए उतना सूट नहीं करेगा। और अगर एक और चीज़, अगर आप स्मोकिंग करती हैं या फिर आपकी एज जो है वो 35 ईयर्स से ज़्यादा की है, तो उस कंडीशन में आप अपने डॉक्टर से एक बार ज़रूर इसको कंसल्ट कर लीजिए कि ये जो मेथड है कॉन्ट्रासेप्शन का ये आपके लिए ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइड इफ़ेक्ट्स भी जो मैंने आपको बताए कॉमनली इसके, कि थोड़ा जी मिचला सकता है शुरू शुरू में लेने में, नौजिया, सरदर्द, या थोड़ी और इस तरीके की ब्रेस्ट्स में टेंडरनेस या सोरनेस, या ब्रेस्ट्स में थोड़ा पेन हो सकता है शुरू शुरू में, जैसे जैसे बॉडी यूज टू होती है तो वो चीज़ आपकी ठीक होती जाती है। साथ ही जो मैंने आपको बताया कि थोड़ी स्पॉटिंग वगैरह हो सकती है, पीरियड्स के बीच में थोड़ी सी इरेगुलर ब्लीडिंग हो सकती है शुरू शुरू में,
तो ये चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन आप अगर इसको कंटिन्यू करती हैं लेना और इन सब चीज़ों के लिए आपकी बॉडी यूज्ड टू हो जाती है, तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इससे, और आपको जो इससे इफ़ेक्टिवनेस मिलती है प्रेगनेंसी रोकने में वो 99% तक की आपको मिलेगी। तो इस तरीके से चॉइस टैबलेट्स का यूज़ होता है। इसका प्राइस भी मैंने आपको बता दिया, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं वो मैंने आपको बताया, और स्किन कंडीशंस में इसको यूज़ करना ठीक नहीं रहता है वो भी मैंने आपको बताया इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा है, कुछ काम का लगा है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकती हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकती हैं। मेरे चैनल पे आपको बर्थ कंट्रोल मेथड से रिलेटेड और भी वीडियोस मिल जाएंगे, साथ ही प्रेगनेंसी से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगे, प्रेगनेंसी टिप्स के बारे में। और इसके अलावा जो महिलाएं कंसीव करना चाहती हैं लेकिन नहीं कर पा रही हैं, यानी फीमेल इनफर्टिलिटी के जो केसेस होते हैं, उसके लिए भी कुछ यूज़फुल वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिलेंगे। साथ ही अगर अनवांटेड प्रेगनेंसी हो जाती है या अनप्लान्ड प्रेगनेंसी हो जाती है, तो उससे कैसे डील कर सकते हैं, उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, उसके बारे में भी आपको वीडियोस मेरे चैनल पे मिलेंगे। मेरे चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ जाके उसको देख सकती हैं अपने इंटरेस्ट के कुछ वीडियोज़ अगर आप चाहें तो। मैं आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।